हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि फैट बढ़ाने के लिए हम वेट गेनर खाएं या वे प्रोटीन। गाइस, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फैट कैसे गेन होता है, तो उसके कुछ वेज बताए थे मैंने कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने ये बोला था कि आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिनको सप्लीमेंट लेना है, बिना सप्लीमेंट के भी हुआ जाता है, सारा सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो आप कौन सा ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि हमको फैट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा फैट गेनर लेना चाहिए। तो गाइज, आज का हमारा मेन टॉपिक है कि फैट गेन के लिए हमको फैट गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई फैट गेनर लें या वे प्रोटीन लें, फैट गेनर से कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ये होता है वो होता है, प्रोटीन ले तो ये होता है वो होता है ये होता है। तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो गाइज, बिना किसी टाइम पास के टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज गाइज, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँ ध्यान से सुनना, दोनों कान खोल के सुनना, ये नहीं कि एक कान से अंदर डाला और दूसरे कान से निकाल दिया, ये बिल्कुल मत करना वरना बाद में मुझको ही गालियाँ दोगे, ठीक है। तो गाइस, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं, बिल्कुल पतले, समझ गए, जो बिल्कुल ही पतले हैं, जिनके शरीर में कुछ नहीं है, वो फैट गेनर या मास गेनर जो भी आप बोलते हैं वो लें, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार हमको ये लेने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमको, हम तो रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, उससे बढ़ा लेंगे हम लोग अपना फैट। बिल्कुल बढ़ा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, वीडियो बनाइए जा करके देखना जिनको नहीं लेना। लेकिन जिनको लेना है वो ध्यान से सुने कि कब लेना है, कैसे लेना है, कौन सा लेना है, ठीक है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि फैट गेनर ले सकते हैं, ये कह रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेना ही लेना है, ले सकते हैं जिनको ज़रूरत है, और जिनको नहीं लेना है कोई बात नहीं, जिनका बेली फैट है वो बिल्कुल मत लेना, ठीक है, फैट गेनर, ठीक है। तो ये थी बात किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सब ले सकते हैं, जिनका बेली फैट है वो नहीं ले सकते। अब बहुत लोगों के मन में ये भी आता होगा कि भाई हमको तो भूख ही नहीं लगती, तो उसका सॉल्यूशन भी लास्ट वीडियो में जिसमें फैट गेन का बताया मैंने, उसका सॉल्यूशन भी उधर है, भूख लगेगी, ज़रूर लगेगी, जा कर के देखो। अब बहुत लोगों के मन में तो ये होता है कि हमको तो बस सिर्फ फैट बढ़ाना है, सिर्फ चर्बी चाहिए कि भाई थोड़ी सी चर्बी बढ़ जाए, हम लोग थोड़े अच्छे दिखने लग जाएं, वो भी फैट गेनर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और जिनको पेट के अलावा हर जगह थोड़ा सा फैट चाहिए, पेट में नहीं चाहिए बाकी सारी जगह चाहिए, वो फैट गेनर ना लें। सुनो वापस से, फैट गेनर वो ना लें जिनको पेट में चर्बी नहीं चाहिए बाकी सब जगह चाहिए, गेनर वही खाएं जिनको पेट में भी अपना फैट कबूल है, हम पेट में भी हमारा फैट आ जाए कबूल है जिनको, वो फैट गेनर ज़रूर लें, ठीक है, फैट गेनर वो ज़रूर लें। परेशान मत होना फैट गेनर कौन सा लेना है, एक दो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, रेटिंग रिव्यूज़ सब कुछ देख करके, और वो ब्रांड का होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, फेक होगा तो दिक्कत में आ जाओगे बहुत बुरा वाला, ठीक है, बहुत बुरे वाली दिक्कत में आ जाओगे। तो फेक बिल्कुल मत लेना सस्ते के चक्कर में, दो तीन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मिल गए मुझे को अच्छे से तो, वरना आप ऑनलाइन देखिए, ब्रांड का देखिए, थोड़े पैसे खर्च करिए, पैसे सस्ते के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अपने शरीर को खराब मत करना, ठीक है। अब ये भी मत बोलना कि यार तू लेता है क्या, भाई मैं नहीं लेता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी फैट गेनर की, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ फैट गेनर के बारे में, किसको लेना चाहिए किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो बता रहा हूँ, मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, बचपन में नहीं यार, 10th 11th 12th में सब भालू भालू करके बुलाते थे मेरे को यार स्कूल टाइम में, तो भाई मेरे को कहाँ सा ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। और यार मैं तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन पर चल रहा हूँ अपनी, तो यार मेरे को तो वेट लॉस करना है, मेरे को नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में, वेट लॉस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद वेट लॉस के बारे में भी मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, और वेट गेन के बारे में भी मुझको थोड़ा बहुत पता है, तो मैं वेट गेन के बारे में भी बना रहा हूँ, तो गलत मत समझना कुछ भी, सब कुछ सही बता रहा हूँ। कोई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी यही बोलेंगे यार,
तो उनकी वीडियो देख लेना जा करके अगर मेरे पे विश्वास ना हो, क्योंकि मेरे तो अभी कोई सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है, न्यू न्यू चैनल है, 1.5 महीना हुआ है खोले खोले। अब आते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन पे, बहुत बड़ी बात पे। फैट गेनर की बात हो गई, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। अब आते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए वो बताता हूँ अब मैं आपको। भाई अगर आपसे कोई ये बोलता है कि यार वे प्रोटीन से फैट बढ़ता है, उसको जा करके ये वीडियो दिखाना, मेरे से बात करा देना, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो दिखा देना जा करके, किसी ने भी ये नहीं बोला है कि वे प्रोटीन से हमारा फैट गेन होता है, किसी ने भी नहीं बोला ये, ठीक है। वे प्रोटीन कौन ले सकता है कौन लेता है बताता हूँ भाई। अगर कोई भी ऐसी इतनी बड़ी गलतफहमी में अगर जी रहा है ना भाई, ये गलतफहमी छोड़ देना, ठीक है, बहुत बुरा फंसोगे भाई। तो अब वे प्रोटीन किसको लेना चाहिए? वे प्रोटीन उसको लेना चाहिए जिसको अपनी मसल रिकवर करानी है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा एग्जांपल लो, अब जैसे मैं हूँ तो अब मैं जिम जाता हूँ, मैं अभी होम वर्कआउट करता हूँ, अब मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब मैं अपनी एक्सरसाइज में जिम करता हूँ, ठीक है, तो मेरी मसल ब्रेक डाउन होती है, अब उसको रिकवर करने के लिए मेरे को वे प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। तो वे प्रोटीन किनको लेना चाहिए? जिनको मसल रिकवर करानी है अपनी, ठीक है। अब भाई जिसके शरीर में फैट ही नहीं है, जिसके शरीर में मसल ही नहीं है, वो वे प्रोटीन लेकर के क्या करेगा भाई? वे प्रोटीन का काम क्या है? वे प्रोटीन का काम है मसल रिकवर करना। अब जब मसल ही नहीं है, फैट ही नहीं है, तो वे प्रोटीन क्यों भाई, क्यों भाई? बहुत लोगों को गलत सलाह दी जाती है, वो बहुत गलत सलाह है, ये सही सलाह है, ठीक है। यस, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है, बिलीव करो नहीं करो वो तुम्हारा काम है। तो वे प्रोटीन उनको चाहिए जिनको मसल रिकवर करना है, जिनके अंदर कुछ नहीं है वो वे प्रोटीन नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप जिम जा रहे हो, पतले हो, फैट नहीं है, जिम जा रहे हो, ठीक है, आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो तगड़ी वाली, तो आप वे प्रोटीन लो, ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में क्या सवाल आएगा कि यार वे प्रोटीन तो ना बहुत टाइम तक लेना पड़ता है, बहुत टाइम तक लेना पड़ता है, उसके बाद असर दिखता है। भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो भाई, अगर तुमको मेरे पे विश्वास ना हो रहा हो ना, क्योंकि भाई ये बहुत, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शरीर है यार, शरीर के साथ धोखा बिल्कुल नहीं, ठीक है, शरीर के साथ धोखा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि शरीर हमारी इकलौती चीज़ होती है जो हमारे पास हमेशा रहती है, और ये अगर सही है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, ठीक है, ये सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल शरीर, इससे, इस फिटनेस से रिलेटेड कोई गलत बात करूँगा नहीं बिल्कुल। बड़े से बड़े यूट्यूबर को जा करके देखो, इस टॉपिक पे वीडियो उनकी देखो जा करके, भाई यही बोलेंगे यार, ठीक है, यही बोलेंगे वो। वे प्रोटीन जो है 4,000 5,000 का आता है, ठीक है, 3,000 से 5,000 के बीच का आता है, ठीक है, कोई ऑफर चल रहा हो तो 2,500 का मिल जाता है, लेकिन वही वही फैट गेनर है 1,500 से 2,000 या फिर और सस्ता भी मिल जाता है, तो भैया फालतू वे प्रोटीन में काहे को पैसा फूक रहे रे भाई, काहे को। जिनको वे प्रोटीन लेना है, जो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ा सा फैट है, उनको मैं बता दूं कि भाई मैं कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो यार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर मेरे पास कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही बाद में, अभी नहीं बाद में आएगा, और वैसे भी अभी ही आ जाएगा, ये वीडियो डालने के बाद कोई ना कोई तो मेरे पास आ ही जाता है, मेरे खुद के दोस्त मेरे मेरे से पूछ लेंगे कि भाई हम तो जाते हैं जिम वगैरह, ठीक है, हम जिम वगैरह जाते हैं, हमारे अंदर फैट है तो हमको तो वे प्रोटीन ही चाहिए अगर हमको बॉडी बॉडी बनानी है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं। तो भाई मैं उनको बता दूँ मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, तो भाई मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ एक्सेस का, ये एमवे कंपनी का है, AMWAV, बहुत बढ़िया हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका है ये, तो काफ़ी सही प्रोटीन है ये, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी अच्छा प्रोटीन है ये। जब कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस आने के 2 महीने तक मैंने अपना घर पे होम वर्कआउट किया, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए मैंने अपना वर्कआउट छोड़ दिया क्योंकि मेरा घर पे मन लग नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कंटिन्यू रखा, 1 किलो का आता है, इसकी वजह से मेरी मसल्स अच्छी बनी रही, मेंटेन रही,
है ना, तो मेरे को इसके बेनिफिट्स अच्छे लगे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका प्राइस मैं आगे बताता हूँ। और इसके अंदर आपको मिल जाता है 5 ग्राम BCAA, 23 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम EAAs, ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर है, सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही मिलता है वहाँ पे, इसके अंदर शुगर वगैरह नहीं है, ठीक है। 15 साल से नीचे वाले लोग इसको नहीं ले सकते। 1 किलो का आता है ये, 4,500 रुपये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये काफ़ी सस्ता पड़ा, बताता हूँ आगे तो। और इसके अंदर जो अपने न्यूट्रिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर 33 सर्विंग्स आएंगी, 1 किलो का डब्बा है, और 108 कैलोरीज मिलेंगी इस एक बार लेने में, एक स्कूप लेने में। प्रोटीन इसके अंदर 23 ग्राम है, फैट इसके अंदर 0.7 ग्राम है, ट्रांस फैट इसके अंदर 0.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट ओनली 4 ग्राम, डाइट्री फाइबर है इसके अंदर 0.7 ग्राम, शुगर इसके अंदर 0.38 है ओनली बस, सोडियम इसके अंदर 95 mg है, कैल्शियम इसके अंदर 80 mg, ले सकते हैं आप। फिलहाल ये डब्बा मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कौन सा, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के चेक करना। लेना हो तो डायरेक्ट मत लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवाऊंगा। 4,500 का है, और भी सस्ते सस्ते आते हैं, ले लेना वो। लेकिन इसके बेनिफिट्स मुझे को काफ़ी सही लगे, काफ़ी ज़्यादा सही लगे, और इस 700-800 रुपये में डिस्काउंट में दिलवा दूंगा इसको मैं, ठीक है। 700-800 रुपये कम में दिलवा दूंगा, तो अगर किसी को लेना हो तो ऐसे मत लेना जाकर के, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, लेना हो तो ले लेना, वरना अगर डिस्काउंट चाहिए 700-800 रुपये का तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, सारा प्रोसीजर बताऊंगा पर्सनल, वीडियो कॉल वगैरह कर लूँगा कि कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं बता दूंगा अच्छे से। तो इसको रखते साइड में, कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, भरा हुआ है, 1 किलो का है, माया प्रोटीन का इम्पैक्ट वे, माया प्रोटीन का इम्पैक्ट वे, ठीक है, इम्पैक्ट वे प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड मंगाया मैंने इसके माय प्रोटीन के, काफ़ी बहुत 8-9 फ्लेवर्स हैं, लेकिन मैंने अनफ्लेवर्ड मंगाया क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ। चॉकलेट मुझे पसंद है लेकिन, चॉकलेट मैंगो मुझको पसंद है लेकिन मैंने मंगाया नहीं। तो ये आपको मिलेगा 1 किलो का, उसमें 2900 रुपये, 2900 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने ऊपर कि भाई कैसा है, फिर बाद में आपको बता दूंगा लेना है कि नहीं लेना है। वैसे यार मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि इसको मैं लेते लेते हो गए 8-9 दिन हो गए, तो मेरी मसल भी अच्छी खासी वापस से बनने लग गई, क्योंकि मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ तो मेरे को दिख रहा है। तो ये माय प्रोटीन का ही है, 2900 रुपये का मिल रहा था, और एक ऑफ़र उसमें आता है, ऑफ़र में भूल गया। तो आप जब माय प्रोटीन की साइट पे जाएंगे, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जब आप लोग इस जाएंगे लिंक पे, तो आप ऑफ़र वगैरह एक कोड वोड आता है डालेंगे, तो आपको ये 2,2100 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने तो ये 1900 रुपये में लिया, कैसे लिया, मुंबई के निखिल को मैं फॉलो करता हूँ, व्लॉगिंग करते हैं वो, मुंबई में रहते हैं, मेरे को भी व्लॉगिंग काफ़ी पसंद है, इस चैनल पे व्लॉगिंग भी आएगी, ट्रैवलिंग व्लॉग्स आएंगे, फन एंटरटेनमेंट इसमें भी होगा। तो उनका मैंने कोड डाला था MN² करके, तो मुझको ये 1900 रुपये का मिला, 1 किलो का है, वो 3,500 का पड़ा था, ये 1900 का पड़ा। अब मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ, ये बेनिफिशियल होगा तो मैं इसको ले लूँगा, वो बेनिफिशियल होगा, वैसे दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को, तो मैं कोई भी ले लूँगा, लेकिन सस्ते की बात है तो मैं ये इम्पैक्ट वे प्रोटीन लूँगा। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनको नहीं पता। और ये इंडिया की बहुत अच्छी साइट है, एमवे भी अच्छी साइट है, ये भी बहुत अच्छी साइट है। ये 1 किलो का है, इसके अंदर आपको एक स्कूप में मिलेंगे 25 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम, इसके अंदर सर्विंग है 40, उसके अंदर 33 थी, इसके अंदर है 40। एनर्जी इसके अंदर सेम है, 103 कैलोरीज। प्रोटीन इसके अंदर 21 ग्राम मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर 1 ग्राम, उसके अंदर 4 ग्राम था, शुगर इसके अंदर 1 ग्राम है, उसके अंदर 4 ग्राम था, फैट इसके अंदर 1.9 है, उसके अंदर 0.38 समथिंग कुछ था ऐसा। तो इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस देख सकते हो कि मेरे भाई सब आना वापस से स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी सही है ये भी वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको फैट लॉस करना है, आप मोटे बहुत हो, आपको फैट लॉस करना है, तो आप अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैट लॉस में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, और शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। बाय।